फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एक्टिव में। दोस्तों देखिए, एराइज कंपनी की सुपर मास्टर मतलब सेकंड मॉडल ए टुल्लू पंप है, देख सकते हैं इसकी पंखी, इस पे भी लिखा हुआ है एराइज। तो ये 1 HP में है मोटर और इसका रिवाइंडिंग देखिए, मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ तो मैं इसका भी साथ ही साथ आपको डाटा भी बता दूँगा। और ये मोटर जो है, एक क्या हुआ था कि करंट मान लीजिए जला था, करंट इसमें आया था इसलिए ये रिवाइंड हो रही है। और इसमें एक ही स्लॉट जला था बस, बाकी सब सही था। तो एक स्लॉट जलने पर भी मान लीजिए जैसे बॉडी में एक क्या होता है कि पेपर प्लास्टिक जो होता है ना, ये अपना एक स्लॉट अगर पिघले चाहे पूरा स्लॉट पिघले, बॉडी में जब करंट आने लगता है तो मोटर चलते चलते हुए शॉक मार देती है। तो उस वजह से मान लीजिए इसका रनिंग का जला था, तो रनिंग के जलने की वजह से ये क्या हुआ था, एक स्लॉट जला था, इसके वजह से बॉडी में करंट आया और ये जो बंदा पानी इसमें भर रहा था उससे शॉक भी लगा। तो ये मोटर कट के देखिए बाइंडिंग हो रही है। अब एक स्लॉट जले चाहे पूरे के पूरे स्लॉट जले, 2400 स्लॉट जले, 24 स्लॉट की मोटर होती है, तो मान लीजिए एक जले चाहे पूरा जले तो वाइंडिंग तो आपको नया करना पड़ेगा। और देख सकते हैं दोस्तों, ये दोहरे वायर से कंपनी के डाटा, मतलब मैं कंपनी का डाटा इसमें डाल रहा हूँ, तो दोहरे वायर से भरी हुई थी। और दोहरे वायर में देखिए, ये स्टार्टिंग है अपना, स्टार्टिंग में अपना सिंगल वायर डाला गया था। तो मैं अब इसका आप लोगों को डाटा बता दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए, मैं डाटा लिख के रखा हूँ। तो ये मोटर 750 वाट की है 1 HP में। मैक्सिमम एम्पियर इसका है 6 एम्पियर। RPM में 2750, AC वोल्टेज इनपुट 230 वोल्ट। कंडेंसर इसमें कंपनी का दिया हुआ था 25 MFD, लेकिन बाद में इसमें 20 MFD लगाया गया था, तभी मोटर चल रही थी, अब पता नहीं क्यों। तो इसमें कंपनी का 25 MFD कंडेंसर दिखाया गया है, स्लिप पर भी है। बाकी स्टेटर पिच की लंबाई जो ये अपना शाफ्ट चलता है, शाफ्ट वही स्टेटर पिच की लंबाई होती है, तो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक अंदर 7 सेंटीमीटर, पूरा 7 सेंटीमीटर है। और इनर डाया की बात करें तो यहाँ से यहाँ अंदर ये अपना 5 सेंटीमीटर 3 mm है। आउटर डाया यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर 4 mm है। दोस्तों ये इनर डाया और आउटर डाया और स्टेटर पिच की लंबाई मैं तीनों बता दिया आपको। अब पिच है इसका रनिंग देखिए, तो रनिंग में देखिए दोस्तों, रनिंग में हमें 1 से 12, 1 से 10, 1 से 8, 1 से 6 चार सेट में क्वाइल देखिए मैं डाला भी हूँ, 1 से 8, 1 से 6, 8, 10, 12। तो 12 में हम गिनती किए तो ये कंपनी का अभी पहली बाइंडिंग है, कंपनी का मैं काटा था तो उसके बाद बाइंडिंग कर रहा हूँ, पहला बार बाइंडिंग हो रहा है। तो इसमें मुझे मिला 62 टर्न डबल वायर, और 1 से 10 में वाले में भी 62 टर्न, 1 से 8 वाले में 63 टर्न था, और 1 से 6 वाले में 30 टर्न। अभी डबल था देखिए, ये डबल ही मिला के मतलब कि गिनती करेंगे तो 62 टर्न, मतलब आप दोनों वायर को एक साथ लपेटेंगे तो 62, 62, 63 और 30 टर्न आपको रखने हैं। तो दोस्तों देखिए, रनिंग में क्या था, रनिंग में दोहरा वायर अपना पड़ा था कांपर का, तो मैं गेज किया तो एक वायर हमें मिला 25 नंबर, एक वायर मिला 26 नंबर। अब देखिए 25-26 मिला के ये हो जाता है 22 नंबर, मतलब कि आप अगर चाहें तो ये कंपनी का मान लीजिए, मैं डाटा से छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, जो वायर साइज मुझे कंपनी का मिलता है मैं उसी से रिवाइंड करता हूँ, लेकिन अगर इसके जगह पे हमें अगर रनिंग में 22 नंबर वायर से भी रिवाइंड करेंगे तो सेम मोटर उतना ही लोड पे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ, जो वायर साइज और जैसे टर्ने जैसे भी पड़ी रहेंगी मैं सेम का सेम ही डालता हूँ, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। तो इसमें मैंने वही सेम साइज 25 नंबर 26 नंबर वायर डाला है। और रह गई स्टार्टिंग कॉइल पीछे, तो स्टार्टिंग में देखिए 4 सेट इसमें था पड़ा, तो देखिए इसमें क्या था, ये जो 30 टर्न था 1 से 6, इसमें 1 से 6 उसमें ही स्टार्टिंग का एक क्वाइल देखिए 3 सेट में है, तो एक क्वाइल उसमें ही पड़ेगा। इसमें क्या है कि इसमें 38 टर्ने हैं, तो 38 टर्ने मुझे मिला, 38 टर्न में देखिए ये पतला क्वाइल है,
तो डबल हो जाएगा स्टार्टिंग के रनिंग के ऊपर स्टार्टिंग, ठीक। तो इसमें 1 से 12 86 टर्न, 1 से 10 92 टर्न और 1 से 8 38 टर्न। तो सेम टर्न में इसमें भी कंपनी का ही टर्न एकदम सेम लगाया हूँ, थोड़ा भी चेंज नहीं किया हूँ कुछ भी। और इसमें स्टार्टिंग कापर का वायर साइज हमें मिला 24 नंबर, तो ये 24 नंबर स्टार्टिंग के देखिए दोनों कॉइल सेट हैं, मैं इसको ऊपर से अब डाल दूँगा। अब बात करें, देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि वायर कितना ले कितना नहीं। जो भी छोटे दुकानदार भाई हैं वो सोचते हैं इसमें वायर कितना लगेगा नया लेने में। तो एक तो आप मान लीजिए पुराना मोटर काटते हैं तो उसको वजन कर सकते हैं, साथ ही साथ वजन के बराबर तान न लें, कभी भी वायर लें तो 50 ग्राम एक्स्ट्रा पुराना वायर हल्का हो जाता है, थोड़ा बहुत हल्का ज़रूर रहेगा, और जब नया रिवाइंड करेंगे तो 50 ग्राम वायर आप बढ़ा के ले सकते हैं, तो वायर कम नहीं पड़ेगा। तो इसमें लगा है देखिए ये रनिंग वायर 520 ग्राम नेट लगा है, और मैं क्या इसको जैसे 520 ग्राम जिसमें लगता है तो उसमें मैं 550-60 ग्राम ऐसे करके वायर मंगाता हूँ, तो कम नहीं पड़ता है, बच जाता है थोड़ा बहुत वायर 10-20 ग्राम। तो 520 ग्राम रनिंग में मेरा ये लगा है, और 350 ग्राम ये आपका स्टार्टिंग वायर है, ये 24 नंबर, ये 25-26 नंबर। सलाट का पेपर मैंने 7 नंबर PVC इस्तेमाल किया है। और दोस्तों देखिए ये सेम टू सेम कंपनी का डाटा है, और कंपनी का डाटा में मैं कोई छेड़छाड़ तक नहीं किया हूँ, सेम वही डाला हूँ। तो इसमें क्या होता है दोहरे वायर में एक फ़ायदा रहता है, देखिए दोस्तों अगर इसको आप 22 नंबर वायर से रिवाइंड करेंगे, गेज वही बनेगा 22 नंबर, तो क्या होता है मोटा वायर हो जाता है और स्लॉट इसका थोड़ा लंबा है। मान लीजिए जैसे हम लोग किसी किसी मोटर में 6 सेंटीमीटर स्लॉट मिलता है, लेकिन इसमें 7 सेंटीमीटर वाले में ये दोहरा ही वायर अच्छा रहता है, तो इसमें 1 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है तो वायर मुड़ता है और डालने में दिक्कत होता है, मोटा वायर कड़ा मनाता है और ये क्या होता है ना मुलायम हो जाता है। और देखिए टर्ने भी हाई हैं और स्लॉट में जगह भी कंपनी ने पूरा दिया है, तो टर्न इसमें बहुत आराम से मैं डाला हूँ तो बहुत आराम से पड़ गया है बिना खींच खाच किए हुए आराम से। अब इसके ऊपर मैं एक कॉइल आपको स्टार्टिंग का थोड़ा सा डाल के मैं दिखा देता हूँ कैसे डालना है, सिर्फ एक कॉइल। और देखिए ये डाटा है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, मतलब कि सेम टू सेम मैं रख लेंगे तो मोटर सेम टू सेम आपके पास आएगी रिवाइंड होने, तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं सेम डाटा मिला के। केवल आपका ये मिलना चाहिए कि पिच की लंबाई इनर डाया आउटर डाया सेम रहना चाहिए, तो आप इसमें ये डाटा किसी भी मोटर में किसी भी कंपनी के मोटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखा देना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों ये छोटा कॉइल मैं बताया था, तो छोटा कॉइल आपका यही पड़ेगा, देखिए छोटे वाले में ये छोटा जो है उसी में एक कॉइल ये स्टार्टिंग का पहला कॉइल इसमें पड़ेगा, उसके बाद दोनों साइड में दो दो कॉइल का सेट बनेगा। तो मैं इसको एक कॉइल में डाल के दिखा देता हूँ दोस्तों, कभी क्या क्या होता है कि मान लीजिए सब में ऐसा नहीं होता है, सब में क्या होता है कि दोस्तों दो सेट अलग स्टार्टिंग का रहता है, इसमें 3 सेट है। तो इसमें मैं एक कॉइल देखिए, अब इसमें क्या है PVC पहले से पड़ी हुई है छोटे कॉइल में, दोस्तों देखिए PVC पड़ी हुई है। और दोस्तों देखिए PVC जो होता है ऐसे आप पतला एक स्क्रू ड्राइवर लंबा लीजिए, थोड़ा सा PVC के अंदर स्लॉट में PVC को जो सेपरेटर पेपर है उसको थोड़ा सा आप ऐसे डाल के दबा लीजिए, दबाने के बाद आप कॉइल इसको डालेंगे तो ये पड़ जाएगा। अब बिल्कुल आराम से देखिए इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक दिक्कत है हैंडल नहीं खुला है मोटर का, अगर खोलेंगे तो तोड़ना पड़ेगा, इसमें जंग लग गया है, खुलने का चांस भी नहीं है, तो मुझे कॉइल डालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं एक कॉइल आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। तो इसके ऊपर बस आराम से ऐसे, और थोड़ा सा आप लकड़ी की मदद से दोस्तों देखिए लकड़ी की मदद से ऐसे आपको सेम टू सेम ऐसे करके बराबर करके थोड़ा सा, उसके बाद देखिए पेपर इसके सेपरेटर पेपर ऐसे ऊपर से देखिए दोस्तों आराम से चढ़ा लेना है। एक कॉइल के ऊपर वाला कॉइल है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यही मेन होता है, ये चढ़ाने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। दोस्तों देखिए दूसरा कॉइल में ऐसे पेपर डाल के देखिए धीरे धीरे सरका रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि यही कॉइल मान लीजिए पहला कॉइल जो है ना एक कॉइल के ऊपर जो चढ़ रहा है, इसमें क्या होता है डबल PVC हो जाता है, तो थोड़ा
आराम आराम से पीवीसी को खींच खींच के चढ़ाना पड़ता है, और वायर भी मान लीजिए पॉलिश को कटने से बचाना है। तो आपको देखिए, अगर कुछ भी कमेंट करना हो तो कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए पीवीसी क्या है, फलक के निकल गया, तो निकल गया तो फिर वापस इसको डाल लेते हैं। अब इसमें डबल पीवीसी होने की वजह से थोड़ा परेशान करेगा, फिर भी डल जाएगा, धीरे धीरे डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करना है और इसको डाल देना है। मान लीजिए नया वायर है, थोड़ा क्या नाम है, ऊपर फेंकता है, टाइट नहीं रहता है, मुलायम रहता है, तो थोड़ा इस स्प्रिंग के वजह से थोड़ा तार फेंकेगा। पीवीसी पहले सलाट का है ना, तो बस इसको डालने के बाद अपना देखिए स्टार्टिंग का कॉइल दोनों एकदम आराम से टल जाएगा। अभी देखिए कोशिश करते मैं इसको भी डाल रहा हूँ। कॉइल एकदम सीधा रखेंगे तो आप पीछे भी वायर को खींचेंगे तो कटेगा नहीं। अभी मैं पूरा इसको डाल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर पूरा मोटर का पूरा मान लीजिए कॉइल हम डाल के दिखाएँ तो दोस्तों इतना टाइम लगेगा कि मान लीजिए कोई भाई उतना देखेगा ही नहीं। तो समझने वाली बात है, बस देखिए ये अपना छोटे कॉइल के ऊपर ऐसे तीन सेट, अब दो सेट यहाँ से यहाँ, एक से ये अपना है X8, इसके बाद एक से ये दो कॉइल बचे हैं, एक से 10, एक से 12 पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग का एक सेट डल जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मान लीजिए आपको ऐसी वीडियो हमेशा देखने को हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।